हेलो एवरीवन, होप सो यू आर डूइंग वेल। और सब कैसे आप? उम्मीद करता हूँ उस परमात्मा से, उस ईश्वर से, उस प्रभु से कि आप अपने पेरेंट्स की, दादा दादी की, अपने बड़ों की छत्र छाया में बिल्कुल सुख शांति और तंदुरुस्ती से होंगे। और जैसे कि आप सभी देख रहे हैं स्टूडेंट्स, एक ऐसी महामारी, एक ऐसा पैंडेमिक सिस्टम जो फिर से हम सभी के सम्मुख एक चुनौती के रूप में खड़ा है, तो इस चुनौती को चुनौती समझ करके हमने इस जंग में जीतना है। और उसके लिए हमें कुछ सावधानियां रखनी होंगी, कुछ प्रिकॉशंस रखनी होंगी। तो बेटा, उम्मीद करता हूं कि आप अपने दादा दादी, अपने माता श्री, पिता श्री, अपने बड़े बहन भाइयों की छत्र छाया में, उनके मार्गदर्शन के नीचे आप अच्छे से अपनी देखभाल कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। और इसी तरह से आप अपने आप को सिक्योर करिए, क्योंकि आज का जो माहौल और वातावरण है स्टूडेंट्स, हमें ये नहीं सोचना नुकसान क्या हुआ है, सबसे बेहतर है अपनी लाइफ को सरवाइव करना, रेस्क्यू करना। तो बेटा जी, एज यूजुअल टाइम टू टाइम आपको टेलीविजन स्क्रीन के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, समाज सेवी जो हमारे हैं, क्लब हैं, कमेटी हैं, उन सभी के माध्यम से आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया जा रहा है कि किस तरह से आपने 20 से 22 सेकेंड अपने हाथों को अच्छे से धोना है, सैनिटाइज करना है, और अच्छी बैलेंस्ड डाइट किस तरह से आपको लेना है, अच्छी डाइट लेना है। बाजार की जो आजकल थोड़ा सा क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है, बाजार की ज़्यादा चीज़ें नहीं खानी, आप फ्रूट्स खाइए, ड्राई फ्रूट खाइए। और मेरा यह कहने का जो आशय, व्यापार प्रयोजन मतलब अर्थ मीन्स यह है बच्चे कि अपना ध्यान रखिए। और घर में रह करके ये वो वक्त है जिसमें हम अपने आप को सिक्योर करके बहुत अच्छी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं, रीच कर सकते हैं। सो दिस इज द सेम टाइम ड्यूरिंग दैट स्टूडेंट्स, यू द गाइस, द पीपल, यू कैन एनहेंस योर वोकैबुलरी, यू कैन रीच योर वोकैबुलरी, यू कैन जस्ट इन रीच योर ईच एंड एवरी फील्ड नॉलेज। नो नॉलेज कुछ भी नहीं है। अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है बेटा तो कुछ भी नहीं है। तो ये नॉलेज हमारा एक सबसे बड़ा बेस्ट वेपन है। और सैल्यूट करना चाहूँगा मैं हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम जी को, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा स्लोगन दिया जो मैं आपको एक मोटिवेशनल के इंस्पिरेशन के रूप में बताना चाहूँगा। नन अदर देन एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन थ्रू विच यू कैन जस्ट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द वर्ल्ड। आप संसार की दिशा और दशा को बदल सकते हैं बेटा। शिक्षा ऐसा अध्याय है, लेकिन उससे पहले, संसार की दशा और दिशा को बदलने से पहले, व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू चेंज योर ओपिनियन। यू जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेंज योर ओपिनियन, यू जस्ट हैव टू। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे बदलना है, बदलना है, बदलना है, किसको बदलना है बेटा। सबसे पहले अपनी प्रवृत्ति को, अपनी विचारधारा को बदलना है, क्योंकि अक्सर मैं आप सभी को कहता हूं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों के बच्चे कभी हार नहीं होती। ये सबसे बड़ा सबक है हमारे लिए। हमें डिस्करेज नहीं होना। जो जीनियस बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो थोड़ा सा डिस्करेज जल्दी हो जाते हैं। बेटा मोटिवेट करिए, अपने आप को इंस्पायर करिए, अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़िए, अपने दादा दादी से कहानियाँ सुनिए, मम्मी पापा से सुनिए, जिससे आपको गाइडलाइन मिले, इंस्पिरेशन मिले, आपको अंदर की एनर्जी मिलेगी। तो डिस्करेज नहीं होना बेटा, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, डिसअपॉइंट नहीं होना, पैसिमिस्टिक नहीं होना। क्योंकि आपको छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि अकबर और बीरबल बैठे हुए थे, अकबर और बिरबल बैठे हुए थे, तो राजा अकबर ने कहा बिरबल को कि बिरबल कुछ ऐसा बताओ कि मैं खुशी के समय में ज्यादा खुश ना हूं और गम के समय में मैं ज्यादा दुखी ना हूं। तो अब बिरबल जो था वो परेशान कि अब मैं क्या करूं, वरना राजा मुझे कोई भी सजा दे सकता है। उस आपको पता है बिरबल जो है वो बहुत ही चतुर, बहुत ही बुद्धिमान एक ऐसी शख्सियत थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक ही चीज कही कि जो मेरा राजमहल का कमरा शयन कक्ष है, जहां पर मैं सोता हूं, जहां पर भी मेरा उठना बैठना होता है, वहां हर डायरेक्शन पर आप वो चीज लिख देंगे ताकि मुझे खुशी के समय में ज्यादा खुशी ना हो और गम के समय में ज्यादा पीड़ा ना हो। तो उन्होंने क्या कहा बेटा जी, उन्होंने कहा ये दौर भी निकल जाएगा, ये वक्त भी निकल जाएगा, बट जिस चीज की जरूरत है वो है अंदरूनी, इंटरनल स्ट्रांग होने की, विल पावर को स्ट्रांग होने की। हम होंगे कामयाब एक दिन, हम जीतेंगे इस कोरोना की लड़ाई में और एक योद्धा के रूप में। लेकिन बेटा उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस है जिनका आपको पालन करना है। आपको घर रहना है, विदाउट रीजन बाहर नहीं जाना, आपको मास्क यूज करना है, अपनी हैंड्स को सैनिटाइज करना है, और अच्छी बैलेंस डाइट लेनी है।
समझ में आ रही है बेटा? हाँ, ये आप बहुत ही सिंसियर बच्चे हैं, एक मॉडर्न ईरा के बच्चे। तो इन्हीं दो पंक्तियों के साथ फिर से शुरू करना चाहूंगा। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता बच्चे, हौसलों से उड़ान होती है। जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आई जस्ट वॉन्ट टू रिमाइंड यू द लेसन ऑफ द 10th स्टैंडर्ड, थर्ड फर्स्ट फ्लाइट। थर्ड लेसन ऑफ 10th स्टैंडर्ड फर्स्ट फ्लाइट बेटा पढ़ा होगा कि जिसके अंदर सीगल बर्ड, उसके पंख बहुत ज्यादा ब्रॉड है उसके बहन भाइयों से। उसके बहन भाइयों की विल पावर बहुत ज्यादा थी, वो आसमान में उड़ रहे हैं, लेकिन सीगल हिम्मत नहीं कर पा रहा। ही वॉज नॉट एबल टू समन अप इट्स स्ट्रेंथ, सो ही वॉज नॉट गेटिंग सक्सेसफुल एट दैट मोमेंट टू फ्लाई और टू सोर इन द स्काई। तो बेटा, अगर जिंदगी में ऊंचाइयों को छूना है तो अंदर से मजबूत होना पड़ेगा। तो चलिए, एक छोटी सी पॉइंट आज हम सभी के समक्ष, प्लस 2 स्टैंडर्ड बेटा, पॉइंट थर्ड है कि बीइंग क्वाइट, रिटन बाय पैब्लो नेरुडा, नेफ्ताली रिकाडो रेस बेसाल्टो। ये कंप्लीट नाम है बेटा किसका? पैब्लो नेरुडा जी का, नेफ्ताली रिकाडो रेस बेसाल्टो। एंड ही वाज बोर्न इन जुलाई 12, 1904 इन पेरल चिले। चिले में पैदा हुए थे। तो स्टूडेंट, ये चीजें भी आपने ध्यान में रखनी है। तो इसकी रीडिंग बेटा, इसमें क्या बताया गया है आपको थोड़ा ट्रांसलेट कर दूं मैं। वैसे तो ट्रांसलेशन में आपकी बुक रीडिंग में पॉइंट के साथ साथ भी करने वाला हूं। तो इसके अंदर बेटा क्या है, इसके अंदर आज के दौर की बहुत सी ऐसी चीजें हैं। उसमें कवि ये कहता है, आई विल काउंट अप टू 12 एंड व्हेन आई विल काउंट अप टू 12 ड्यूरिंग दैट नोबडी विल मेक अ बिट ऑफ मूवमेंट, दैट विल बी एक्सोटिक मूवमेंट एंड इन दैट एक्सोटिक मूवमेंट यू हैव टू अपरूट और एलिमिनेट द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द रीजनलिज्म, सोशलिज्म और द रेशियल, और वी कैन से द पॉलिसी ऑफ कैस्टिज्म। ये चीजें आपको खत्म करनी होगी। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के अंदर बच्चे क्या हो रहा है, सब अपनी अपनी होड़ में लगे हुए हैं कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरी जाति श्रेष्ठ है, लेकिन सबसे बड़ी जाति है वो है मानवता, इंसानियत। अगर वो नहीं है बेटा जी तो कुछ भी नहीं है, नथिंग इज पॉसिबल। आज एक छोटी सी बात बताता हूं, कोई भी अगर बाइक पे जाता है, उसका साइड स्टैंड जो है वो हैंग हो रहा है, उसने साइड पे उसको अप नहीं किया हुआ, तो आपको 10 इंसान उस बात के लिए क्या करेंगे, वो रिमार्क करेंगे, बेटा भाई साहब, बेटा आपका स्टैंड बाइक का नीचे ऊपर करो। क्यों? क्या उसने धर्म देखा? क्या उसने जाति देखी कि ये पता नहीं कौन से धर्म का, मुझे क्या जरूरत है उसकी जान बचाने की? मीन्स दैट बेटा हमारे अंदर वो इंसानियत है। लेकिन इस पॉलिटिक्स ने, इस राजनीति ने और कुछ ऐसे लोगों ने हम लोगों को बांट रखा है। इन सब चीजों के लिए पैब्लो नेरुडा कहता है आपको अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, आपको अपना आत्म निरीक्षण करना पड़ेगा। और उस आत्म निरीक्षण के दरमियान, व्हेन यू विल सिट टुगेदर, इट डजंट मैटर यू बिलोंग टू द डिफरेंट कल्चर, यू बिलोंग टू द डिफरेंट कास्ट, यू बिलोंग टू द डिफरेंट रिलीजन, ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन व्हेन आई विल काउंट अप टू 12 यू विल सिट टुगेदर विदाउट मैनी विदाउट मेकिंग एनी काइंड ऑफ इंडिफरेंसेस यू विल थिंक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। मीन्स किस चीज के बारे में, हमारे में जातिवाद क्यों है, हमारे में धर्म के प्रति ऐसी चीज क्यों है? देखिए, सबसे बड़ा जो श्रेष्ठ है वो है इंसानियत। हम किसी भी धर्म को उठाते हैं बेटा, अगर हम मुस्लिम धर्म को उठाते हैं तो वो भी कहते हैं अल्लाह एक, हिंदू धर्म ईश्वर एक, अगर क्रिश्चियन है तो गॉड इज वन। और द बेस्ट जो चीज बताना चाहूंगा, आज सल्यूट करना चाहूंगा मैं अपने सिखिज्म को, रिलीजन को, इस पंजाबी कम्युनिटी को, जो गुरु नानक देव जी के अपने 10 गुरुओं के आदर्शों पर चल करके बिना किसी स्वार्थ के, जो कोरोना पीड़ित हैं, जो हालात हैं, बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से सेवा में लगे हुए हैं। तो बच्चे यही होती है सेवा, इसको सेवा कहते हैं निस्वार्थ भाव से। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि दान इस तरह से करो, एक हाथ से करो तो दूसरे को पता ना चले। लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं हम स्वार्थी हैं, मैं भी क्यों ना हूं, मैं भी अगर किसी को 2 चीज दे रहा हूं, कुछ पैसे दे रहा हूं या कुछ भी चीज दे रहा हूं, पहले मैं अपनी सेल्फी मारता हूं। बेटा क्या है, हम सिर्फ अपने लिए जीना सीखे हैं, किसी की गरीबी का मजाक उड़ाकर। मान साहब ने भी कहा है कि किसी भी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाएगा, लेकिन हम इंसान स्वार्थी हो गए कि हमारी आज की हुई ये समाज सेवा है ना कहीं हम फल देने वाली है। बेटा जब अगर हम सच्चे दिल से जो काम करेंगे तो वो जिसको हम परमात्मा कहते हैं वो देख रहा है सब। तो
तो मेरा ये सब कहने का पर्पस कीपिंग क्वाइट है, कहता है कि ये जो सब हो रहा है, आप बैठो सोचो, हर धर्म हर जाति हर क्षेत्र का बंदा बैठे, हर व्यक्ति बैठे, हर गाइस बैठे और इस पर चिंतन करें कि मैं 12 तक गिनता हूं, और आप आत्मनिरीक्षण करिए, आपसी समझ पैदा करिए कि उस समय कोई भी मूवमेंट ना हो, सब साइलेंट हो, एकदम स्टिल हो। आप क्या सोचते हैं कि अगर आपने एक लैंड के अंदर कोई भी बीज को बो दिया है, इट मींस इनएक्टिव हो गया, वो मर गया? नहीं बेटा। एक क्या आपने कभी सुना है कि एक गहरी काली अंधेरी रात के बाद कभी एक नई सुबह का आगाज नहीं हुआ? हुआ है बच्चे, लेकिन हमारे आत्मविश्वास से, हमारे विल पावर से। तो ये सब मोटिवेशनल चीजें होती है बेटा। कलाम साहब की जिंदगी से प्रेरणा लीजिए आप। कलाम साहब ने क्या किया, अब जब वो छोटे थे, मिडोकर फैमिली से हैं, अब सबसे पहले उन्होंने इमली के बीज सेल करने का काम किया, देखो हिम्मत और मेहनत। फिर उसके बाद उन्होंने जो है चलती ट्रेन से न्यूज़पेपर के बंडल डालने का काम किया। मैं बेटा कोई किताबें या कुछ फिलोसफर्स नहीं पढ़ता हूँ, ये जो आपको पढ़ाता हूँ उन्हीं में से प्रेरणा मुझे मिलती है, जो मैं सोचता हूँ मेरे बच्चों में डाल दूँ। लेकिन शायद बेटा आप मॉडर्न एरा के हैं, मॉडर्न एरा तो कलाम साहब भी तो मॉडर्न एरा के थे। साइंटिफिक एज देखिए कितना कुछ दिया, कितने वेपन, कितनी मिसाइल्स, कितना कुछ दिया साइंस के मामले में। यहाँ पर भेदभाव नहीं आ रहा कि वो भी मुस्लिम है, लेकिन बेटा कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो हमें बांटने भी तुला हुआ है, क्योंकि ये तो पॉलिसी पहले से चली आ रही है ब्रिटिश रूल से, डिवाइड एंड रूल, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे। वी आर जस्ट थिंक ओनली अबाउट आवर कैस्टिज्म, अबाउट आवर रीजनलिज्म, नथिंग एल्स। ओके, लीव दिस पॉइंट। तो ये सारी चीजें जो बच्चे मैंने आपको बताई हैं, यही तो कह रहे हैं कीपिंग क्वाइट में पैब्लो नेरुडा जी। सोचो ये सब क्या है, किस लिए हो रहा है। सो नाउ आई एम गोइंग टू रीड द लेसन, द पॉइंट कीपिंग क्वाइट। ओके, पैब्लो नेरुडा, दिस द पेन नेम ऑफ नेफ्ताली रिकार्डो रेस बेसाल्टो, हु वॉज बॉर्न इन द टाउन ऑफ पेराल इन चिले। ओके, तो ये इनका पेन नेम है पैब्लो नेरुडा, लेकिन जो रियल नेम है बेटा जी वो मैंने यहां पर मेंशन किया है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। स्टिल मींस स्थिर, शांत का। अब हम 12 तक गिनेंगे और सब कुछ शांत हो जाएगा। फोर वंस, एक बार, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। फेस ऑफ द अर्थ मींस पूरी धरती के लोग, जो इस धरती के, पूरी धरती के लोग हैं, एक बार वो सब शांत हो जाएंगे। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम किसी भी भाषा में नहीं बोलेंगे, मींस हम चुप हो जाएंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, एक सेकेंड के लिए हम रुकेंगे। एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच, हियर इट इज मींस नॉट मूव अवर आर्म्स मींस दैट देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, शारीरिक गतिविधियां नहीं होगी। Now let's the next step. It would be an exotic movement. और जब हम कोई भी शारीरिक गतिविधि नहीं करेंगे बेटा जी, तो हमारे लिए एक विशिष्ट क्षण होगा। Exotic means होता है unusual, unusual movement क्षण, विचित्र क्षण होंगे। Without rush, बिना भाग दौड़ के, rush means भाग दौड़। Without engine, engine means मशीनों का कोई शोर कोलाहल नहीं होगा। We would all be together, हम सब एक साथ होंगे। In a sudden strangeness, इन ए सडन, सडन होता है अचानक। स्ट्रेंजनेस, स्ट्रेंजनेस मीन्स होता है अद्भुत अनुभव, जो एक अचानक अनुभव हमें महसूस होगा। नेक्स्ट वन, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, फिशरमैन जो है वो कोल्ड सी में मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मीन्स नहीं पकड़ेंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हॉट हैंड्स, और जो लोग नमक को इकट्ठा कर रहे हैं वो अपने हाथों के जख्मों को देखेंगे, जो इंजरी होती है, हर्ट हुआ है। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, ग्रीन वॉर्स मीन्स अगेंस्ट द एनवायरमेंट, जो हमारे पर्यावरण के खिलाफ युद्ध छिड़े हुए हैं, क्या वृक्षों को काटना, हमारे इस नेचर को नुकसान पहुंचाना। बेटा किसका नुकसान हो रहा है, हमारा। जिन पशु पक्षियों को हमने पिंजरों में बंद किया बच्चे अपने एंटरटेनमेंट के लिए, आज इंसान उन पशु पशु पक्षियों के लिए एंटरटेनमेंट बन गया। आज हम अपने घरों में बंद हो गए और वो विचरण कर रहे हैं, हमने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया। तो बेटा अभी भी संभलने का वक्त है कि अभी भी अगर हम अपने किसी भी एक सेलिब्रेशन पे, किसी भी सेरामनी पे, जन्मदिन पे, मैरिज एनिवर्सरी पे, किसी भी बच्चे की चोला रस्म पे एक वृक्ष लगाएं और उसकी डंडा देखभाल करें, तो ये प्रकृति की जो नाराजगी है बेटा दूर हो जाएगी डेफिनेटली। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स,
और वो जो हमारी हमारी एनवायरनमेंट के खिलाफ एक युद्ध को तैयार करती हैं, वार्स विद गैस, वार्स विद फायर। हियर इट इज मींस फैटल वेपन्स, जो हमारे गैस वाले हथियार हैं या आग वाली हैं, कहने का मतलब घातक हथियारों को। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, सर्वाइवर्स मीन्स होता है जीवित बचे हुए लोग। तो यहां पर कवि यही समझा रहा है डियर्स, कहता है उस जीत का आप क्या करेंगे जब धरती पर मानवता ही नहीं रहेगी। तो यहां इसका ये मतलब है, ऐसी जीत का क्या फायदा जिसका आनंद लेने के लिए जो इंसान एक दूसरे को मार काट कर रहा है, एक आर्मी ऑफिसर दूसरे को मार रहा है, जब हम जीवित ही नहीं है तो उस आजादी का क्या करेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड, और वो छाया में अपने बहन भाइयों के साथ जो है चले, डूइंग नथिंग, कुछ ना करते हुए। वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज, जो चीज मैं चाहता हूं, कवि कह रहा है, वो आपको परेशान नहीं करने वाला, उसको गलत मत समझना। विद टोटल इनएक्टिविटी, उस पूरी निष्क्रियता के साथ। टोटल इनएक्टिविटी का मतलब इट डजंट मीन्स डेथ, इट मीन्स रेज योर सेल्फ विद इन अ न्यू एनर्जी, विद इन अ न्यू वे, एंड स्टैंड अप अगेन टू फेस दैट चैलेंज विच इज इन योर वे। इट डजंट मीन वी हैव टू गिव अप एनीथिंग एल्स। नेवर गिव इन, नेवर गिव इन स्टूडेंट्स, ऑलवेज कीप रिमेंबर, गेट अप विद इन अ न्यू स्ट्रेंथ, न्यू एनर्जी, एंड लिव योर लाइफ अगेन, देन ट्राई अगेन टू अचीव योर गोल। दिस इज द ट्रेडिशन ऑफ लाइफ, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लिविंग अ लॉन्ग लाइफ। मीन्स दैट द अनदर वन थिंग आई जस्ट वॉन्ट टू स्टॉप द रीडिंग, बट जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, ऑलरेडी टोल्ड मैनी टाइम्स, लाइफ इज नॉट द बेड ऑफ रोजेस, लाइफ इज द बेड ऑफ थॉर्न्स। जिंदगी फूलों की सेज नहीं बेटा, कांटों की सेज होती है। अब आप अगर हमें एक गुलाब का फूल तोड़ना है तो बेटा उसके साथ कांटे हैं, तो कांटों को के दर्द को तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। और जिंदगी में कामयाब होना है तो देखो, जो हमारी परीक्षाएं हैं ना, वो देखो क्या है कि अध्यापक तो आपको पढ़ा करके परीक्षा लेता है, अध्यापक पढ़ा करके परीक्षा लेगा, लेकिन वक्त बिना पढ़ाए हुए आपकी परीक्षा लेता है। तो वो चुनौतियां भी तो हमारे लिए परीक्षा ही है ना, लेकिन उस परीक्षा में हम पास हो जाते हैं अगर जिंदगी को जीने का सलीका सीख जाते हैं। चलिए, वुड पुट ऑन विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, वो साफ सुथरे कपड़े पहने, एक छत्र छाया के अंदर, एक साए के अंदर वो भाइयों की तरह बढ़े, डूइंग नथिंग, चाहे कुछ ना करें। वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज, जो मैं चाहता हूं उसे गलत मत समझना। विद टोटल इनएक्टिविटी, एक पूरे संपूर्ण निष्क्रियता के साथ। लाइफ इज वट इट इज अबाउट, जीवन वही है जो वास्तव में है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, नो ट्रक विद मतलब कोई संबंध नहीं होना, नो ट्रक विद इसका मतलब है कोई रिलेशन, कोई संबंध नहीं है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मेरा टोटल इनएक्टिविटी का मतलब पूरी तरह से मृत्यु से नहीं है। इफ वी वर नोट्स ऑफ सिंगल माइंडेड, और यदि हम नोट्स ऑफ सिंगल माइंडेड का मतलब होता है दृढ़ विचार ना होना, अगर हमारे दृढ़ विचार नहीं है अबाउट कीपिंग अवर लीव्स मूविंग, कि हम अपने जीवन को चलते हुए आगे बढ़ाते हुए लेके जाएं, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार अगर हम कुछ भी नहीं कर पाए, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, शायद हो सकता है ये बहुत बड़ी जो शांति है वो हमारी असुगद स्थिति में व्यवधान डाले। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्व, और कि हम कभी समझ ना पाए, एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्व विद डेथ, और हो सकता है ऐसे सिचुएशन हमें एक मृत्यु का झांसा देकर के खुद डराने भी लग जाए। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद हो सकता है ये पृथ्वी हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब आपको हर एक चीज मरी हुई और निष्क्रिय प्रतीत होती है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, लेकिन जब मान लीजिए बेटा पतझड़ आती है, पतझड़ के बाद बसंत, बसंत आ गया ना, तो क्या होता है बसंत ऋतु के जब प्रत्येक चीज दोबारा से सजीव उठती है, तो बेटा ये तो जिंदगी का फलसफा है, उतार चढ़ाव रहेंगे, अप्स एंड डाउन आएंगे बेटा, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, लेकिन ये बाद में पूर्ण रूप से जीवित उठती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, अब आप क्या करेंगे, मैं 12 तक गिनूंगा, आप शांत हो जाएंगे और मैं चला जाऊंगा। यहां कवि के कहने का जो आशय अभिप्राय प्रयोजन मतलब अर्थ मीन्स ये है बच्चे, कि आप चिंतन करें, चिंता नहीं करें। हमारे देश के अंदर जो युद्ध हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, उसके बारे में चिंतन करें, शायद आपस में बैठ करके कोई सोल्यूशन निकल जाए।
यहां पर कवि जो है एक शांति प्रिय संदेश देना चाहता है. ही जस्ट वॉन्ट टू कन्वे अ पीसफुल मैसेज टू ऑल ऑफ अस. सो दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड पॉइंट, कीपिंग क्वाइट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे सेफ, स्टे होम, बी सेफ, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. गॉड ब्लेस यू, थैंक यू.